विश्वास दृढ़ है तो वो कैसे भी आएगा आएगा जरूर। एक लड़के का एक पत्र आया है कि बोला हेलो शीला देसाई, आपकी कंपनी से नाम है सोमा, पता है फिरोजपुर कैंट, मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी है क्या, हाथ हिला सकती है, आप ही हैं, देख और हाथ हिला दो ऐसे। सोमा फिरोजपुर कैंट, मेरा मोबाइल नंबर ये है, पहले आप फोटो देखें एलईडी पर, टीवी पर और आस्था चैनल पर, पहला फोटो है जो वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ, दूसरा फोटो है जिसके सिर की पूरी हड्डी को निकाल दिया गया, आप अगर मस्तक को देखेंगे तो सिर की पूरी हड्डी खोल दी गई है और वहां से मस्तिष्क को निकाल लिया गया। पत्र है, मैं सोमा फिरोजपुर कैंट, मेरा मोबाइल नंबर यह है, पिछले 4 साल से आपकी कथा श्रवण कर रही हूं गुरुजी। 2022 में मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया और उसके सिर में चोट लग गई, डॉक्टर ने कहा था कि यह 24 घंटे में होश में आ जाएगा, पर वो 24 घंटे में होश में नहीं आया, उसको वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। 10 दिन तक वेंटिलेटर पर पड़ा रहा, परिवार वालों ने डॉक्टर से बात करी तो डॉक्टर ने कह दिया इसकी कोई गारंटी नहीं है, बचे ना बचे। परिवार वाले कहने लगे क्यों पैसा खर्च कर रहे हो, डॉक्टरों का काम है, उन्होंने पटक के रखा है, इसको ले चलो, तो ये बॉडी है, केवल बॉडी है, इसको ले चलो। 10 दिन हो गए वेंटिलेटर पे, ना उसकी हलचल थी, ना वो हिलता, ना डुलता, ना देखता। हमने शिवजी पे जल चढ़ाना प्रारंभ करा, आत्मा तो रो रही थी, आंख में से आंसू निकल रहे थे और शिवजी पे हम जल चढ़ा रहे थे, गुरुदेव जल चढ़ाकर उस पानी को उसके होठ पर लगा देते, डॉक्टर नहीं देखते, उसके पहले उसके चेहरे पर लगा कर आ जाते, जो मिलने जाता एक बेलपत्री उसके पास में रख कर आ जाता, बाबा की कृपा ऐसी हुई गुरुदेव। 20-25 दिन निकले और उसको हल्का सा हलचल होना उसके शरीर में प्रारंभ हुआ, धीरे धीरे उसने आंखें खोली, उसकी याददाश्त चली गई, याददाश्ता भी चली गई, शरीर में पैरलासिस जैसा हो गया कि वो चल नहीं सकता था, फिर नहीं सकता था, केवल पलंग पे पड़ा रहता था और किसी को पहचानता नहीं था। जब पहचानना बंद कर दिया, महीने पर महीना निकलता गया, उसने पहचानना बंद करा, चलना फिरना बंद करा, केवल पलंग पर पड़ा रहता था और पलंग पर ही उसका सब काम होता था। तब मन करा कि एक बार सीहोर जाऊं, सीहोर गए, वहां से रुद्राक्ष लिया, कंकर शंकर को लेकर आए, उसकी पूजन करना प्रारंभ करा, तांबे के कलश में लोटे में रुद्राक्ष को गला देते, शिव जी को चढ़ा देते, आप कहते हो कि 3 महीने में बाबा सुनता है। जिस दिन हम कुबेरेश्वर धाम गए और बाबा को हमने वहां पर पूजन करी, कंकर शंकर की पूजन कर कर हम रुद्राक्ष लेकर आए, बाबा ने 1 महीना भी नहीं करा और मेरे बेटे की याददाश्ता भी आई और वो चलना भी प्रारंभ करा। मैं बाबा को यहाँ पर नमन करने आई हूँ, उसके सारे फोटो मैं लगा रही हूँ, मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ गुरुदेव। सत्यम शिवम सुंदरम, बैठिए, श्री शिवाय नमस्ते, आप ठीक है बाबू, एक बार हाथ हिला दीजिए, हर हर महादेव। शिव तत्व इसी को कहते हैं।